हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 18 दैट वाज पैटर्न्स। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1 एंड 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके एक्सरसाइज 1 एंड 2 देख सकते हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3 को डिस्कस किया जाएगा और एक्सरसाइज 3 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन आपको इसी में फिल करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द मैजिक सम। मैजिक सम का मतलब कि ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट रो दिख रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स दिख रहे हैं और ये दो डायगोनल दिख रहे हैं, एक डायगोनल ये वाला और एक डायगोनल ये वाला, तो इनका आप पहले मैजिक सम निकालेंगे। मैजिक सम निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस स्क्वायर में, इस मैजिक स्क्वायर में हमें करना क्या है। चलिए फिर हम कंप्लीट करेंगे मैजिक स्क्वायर। तो पहले मैजिक सम निकालते हैं। तो मैजिक सम निकालने के लिए मुझे दिख रहा है कि किसके पूरे नंबर फिल किए हुए, तो इस डायगोनल को मैं देखता हूँ, तो इस डायगोनल में सभी जो ब्लॉक हैं वो फिल हैं, तो मैंने इन सबको ऐड किया, 16, 17, 18, 19, 20 सबको ऐड किया, इनका सम आया 90। इसका मतलब ये है कि जब इन सारे नंबर्स का सम मैं करूँ तो 90 आना चाहिए, इन सब का सम करूँ 90 आना चाहिए, इन सब का सम करूँ 90 आना चाहिए, इन सब का सम करूँ 90 आना चाहिए, ऐसे में भी 90, ऐसे में भी 90, ऐसे में भी 90, डायगोनल में भी 90, इस डायगोनल में भी 90। इट मीन्स इन ब्लैंक्स में क्या फिल किया जाए, व्हाट नंबर शुड बी फिल्ड इन दीज ब्लैंक्स टू गेट 90। ओके, तो अब हम इनको कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे। बोले सर इसको क्यों, इसको क्यों नहीं, तो देखिए इसमें 4 नंबर तो ऑलरेडी फिल्ड हैं, एक ही तो फिल करना है, इसमें आपको 3 फिल करना है, तो इसमें आप पहले नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उस ब्लॉक को फिल करेंगे जो क्या होगा, कम से कम होगा, जैसे उस रो में कम से कम ब्लॉक होंगे, इसमें केवल एक ब्लॉक है, आप इन सभी को ऐड कर देंगे। इन सभी को जब मैंने ऐड किया तो ये लगभग 68 आता है। अब बोले 68 में सर क्या ऐड करूँ कि 90 चाहिए था हमको, तो हमें दिख रहा है कि 22 आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 90 बन जाएगा, तो मैं यहाँ फिल कर दूंगा कितना, 22 फिल कर दिया। अब हम देखते हैं किसको फिल करें, किसको फिल करें, तो इसको नहीं करना, 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 इसको करेंगे पहले, इसको। बोले सर इसको काहे को, 4 फिल हैं, एक ही तो चाहिए, ठीक है, इन सबको मैंने ऐड किया, जब इन सबको मैं ऐड करने जाता हूँ तो यहाँ इन सब का सम मुझे मिल जाता है लगभग 82, तो फिर क्या 82 में मुझे 8 की ही तो ज़रूरत है, 90 हो जाएगा। अब किसको फिल करें, तो अब इस वाले को आप फिल कर दीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4 एक ही की ज़रूरत है, इन सबको ऐड किया 65 आया, अब मैंने 25 फिल कर दिया, 90 हो गया। अब इसको फिल कर दीजिए, इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को जब मैं देखता हूँ तो ये वाले कॉलम में 78 आपका बन जाता है, 2 और 12 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। अब देखिए इस कॉलम को देखिए, एक ही ब्लैंक है खाली बचा आपका, इसी को फिल करना है, तो अब आप इन सबको ऐड करेंगे, जब इन सबको ऐड किया तो आपका 69 बन जाता है, और 69 में 21 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। इस तरीके से आपको अब इसको फिल कर लेना है, तो आपका ये फिल हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब इस पूरे इस वाले को फिल करेंगे, इस कॉलम को, तो यहाँ आपका 11 आ जाएगा, इसको फिल करेंगे तो यहाँ आपका 23 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस पूरे मैजिक स्क्वायर को फिल कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। पहले हम उस मैजिक को स्क्वायर को स्टडी करेंगे, इसके बाद में फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द टेबल। इस पूरे पैटर्न को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर टेबल कंप्लीट करेंगे। ऑब्जर्व किया पैटर्न को, 1 है, फिर नेक्स्ट नंबर ऐड हो गया, फिर अगले 3 नंबर ऐड हो गए, फिर फर्स्ट 4 नंबर हुए, फर्स्ट 5 नंबर्स का सम, फर्स्ट 6 नंबर्स का सम, अगले होगा फर्स्ट 7 नंबर्स का सम, फर्स्ट 8 नंबर का सम, इस तरीके से आपका ये पैटर्न चलता रहेगा। फर्स्ट नंबर का सम फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 2 नंबर्स का सम 3, फर्स्ट 3 नंबर्स का सम 6, फर्स्ट 4 नंबर्स का सम 10, फर्स्ट 5 नंबर्स का सम, मतलब 4 के सम में 5 ऐड कर देंगे तो 15, फिर 5 के सम में 6 ऐड कर देंगे तो 21। इस तरीके से आपका ये पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ऑब्जर्व द पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व किया, फर्स्ट स्क्वायर नंबर, फर्स्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि आपका जो फर्स्ट नंबर है उसका उसी में मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 आया, फिर सेकंड तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 आया, फिर थर्ड में थर्ड स्क्वायर नंबर मतलब 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 आया, 9 आया। बोलता है नेक्स्ट 3 स्टेप चाहिए, मतलब फोर्थ वाला होगा कि 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, फिर आप 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो 25 आएगा, 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। तो ये जो पैटर्न है आपने इसको स्टडी किया, अब हमें फिल करना है। तो फर्स्ट स्क्वायर नंबर ये 1 हो गया, सेकंड में 4 तो 1 प्लस 3, फिर 9 1 प्लस 3 प्लस 5 अब हो जाएगा आपका
14, इसको क्या लिखोगे, 1 + 3 + 5 + 7, ये फर्स्ट थ्री का और नंबर्स का सम था, फर्स्ट टू और नंबर्स का सम था, ये फर्स्ट फोर और नंबर्स का सम होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट फाइव और नंबर्स का सम होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 11, ये फर्स्ट फाइव और नंबर्स का सम हो गया। थर्ड केस में क्या होगा, तो थर्ड केस में आपका फर्स्ट सिक्स नंबर्स का सम होगा, मतलब 1 6 और नंबर्स का सम, 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, 11 के बाद 13, तो ये आपका पूरा पैटर्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ क्वेश्चन में पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करिए। ये 1 = देखते हैं हम यहाँ पर, 1 = 1 × 2/2, मतलब उस 1 में नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। फिर देखिए 1 + 2, तो इसमें नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। 1 + 2 + 3, ये 3 के आगे नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया, मतलब लास्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या आएगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 और नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 × 6 डिवाइड बाय 2। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 और इससे अगले नंबर का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर देंगे, तो हमने कहा इसमें आ जाएगा आपका 6 × 7/2, तो ये आपका पैटर्न बन गया। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाट एवर द पैटर्न इज गिवन स्टडी एंड देन कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3 आप बुक में ही फिल करेंगे, कुछ आपको नोटबुक में नहीं लिखना, पूरा चैप्टर 8 आपका बुक में ही फिल किया जाएगा। आई होप सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 1 और 2 की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक्सरसाइज 1 और 2 आप नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 3 है, चैप्टर 18 कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।